तुम्हारा कोई भाई है? हाँ मिसाला, मेरा भाई एक फौजी है। आज 18 वर्ष हो गए हैं मेरा भाई घर छोड़कर न जाने कहां चला गया था, लेकिन एक दिन उसकी छुट्टी आई थी तो उसने अपना पूरा परिचय लिखा था, लेकिन मैं इसे ढूंढू तो कैसे ढूंढू? सरकारी ऑफिसर तो बहुत है, लेकिन मेरा भैया धजाने कहां पर होगा? अदरी आप घबराओ नहीं, भगवान ने चाहा आपका भाई आपको जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर, आपको अपराध लाख धन्यवाद करते हैं कि तुमने हम दोनों की जान बचाई है। अरे मैं तुम्हारा उग्रवाद क्षेत्र गुजार हूं, इसमें उपकार की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था। आपने जिसकी जान बचाई है ये हमारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन है? ये कैसी बात कर रही हो भाई? जो कह रही हूं सब कह रही हूं, और इसी मेरी एक दिन भाई मंदिर गई पूजा करने के लिए, इसे मेरी इच्छा से खेलना चाह। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, इसकी शान बचाई आपकी वफादारी की, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि आप मेरे पति हैं। आप जो करेंगे सो करेंगे। सफाई दे रहे की कोई जरूरत नहीं है इस लड़के। अरे तुम क्या जानो कि भक्ता और प्यार और गुलाल क्या होता है? इसे पहचानती हो? पहचानती हूं। ये कौन है? ये कौन है? ये तेरी बहन विशैला है। विशैला, इसे जानती हो? अरे यही है हमारी दुश्मन, इसी ने मेरे बापू को गोली से मारा था। आज मेरा भाई इस वक्त होता तो कितना खुशी का दिन होता। न जाने मेरा भैया कहाँ है, न जाने किस हाल में होगा। भगवान जहां कहीं भी मेरा भाई हो उसकी रक्षा करना, और इस शायद को ऐसी सजा देना। यानी तुम्हारा कोई भाई भी था? तुम्हारे भाई का आखिर नाम क्या है? एक मेरा भाई था और 18 साल पहले मुझसे पिछड़ गया था। घर में माता और पिता जिसे थोड़ी थोड़ी बात होने के बावजूद वो घर छोड़कर न जाने कहां चला गया, और न जाने किस हाल में होगा। मैं पहचान तो नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे भाई का नाम जितेंद्र है। क्या तुम्हारे भाई का नाम जितेंद्र है? और रहने वाला कहां का है? मेरा भाई बिजनौर का रहने वाला है, और हमारी मां का नाम लाजवंती है, और हमारे पिताजी का नाम बड़कू किसान है।
लेकिन आप ये सब पूछ कर क्या करोगे? क्योंकि मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मेरा ही नाम जितेंद्र है। तुम जितेंद्र हो? हाँ मैं जितेंद्र हूँ। सच में तुम जितेंद्र हो? हाँ मैं जितेंद्र हूँ। भैया भैया भैया, अरे सॉरी तू क्या से क्या दिखा छुपाई है भैया। भैया तुझे मालूम नहीं है कि अपने घर में क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ भैया? तुम्हारे बिछड़ जाने के बाद अपने गांव के ठाकुर नटराज और रंजीत सिंह ने सब मस्जिद का दुश्वार कर दिया। भैया ये बताओ कि ये लड़की कौन है आपकी? ये हमारी बीबी है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? झूठ बोलते भैया। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है भैया। क्या क्या हुआ तुम्हारे भी चल जाने के बाद? क्या हुआ? अरे इसी लड़की ने अपने बापू को जान से मार दिया भैया। नटराज और रंजीत सिंह दोनों बैठे होते हैं। उन
भर से वही बिंदिया पहुंचती है और देखिए दोस्तों क्या होती है।
एड्रेस और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए ठीक है ना। कब के पिछड़े